हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। बहुत दिन से एक हीरो की तलाश थी मुझे। ये सब्जेक्ट हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक रियल घटना पे है और ऐसा ही ऑफिसर चाहिए था। और इस बीच में मेरे कई जो बड़े बड़े स्टार अब संसदीय हो गए, रवि जी, तो वो अपने अब मेरे पास में कोई हीरो नहीं था और मुझे चलना है 60 साल, तो मुझे एक हीरो तलाश थी। और वो ये मेरा छोटा भाई राज चौहान, इन्होंने काफ़ी फिल्में की हुई हैं और बहुत चीज़ें हैं। और ये सब्जेक्ट हम लोगों ने 1.5-2 साल से कंटिन्यू हम लोग लिख रहे हैं और वर्क पे वर्क कर रहे हैं। और इसमें इनके साथ में जो इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर हैं, कई एक्टर हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में नया लड़का लेना आसान है, मगर उसको थिएटर तक पहुंचाना बड़ा कठिन हो गया है। तो हमको ये पहले भी था, मगर पहले ये थोड़ी सी सुविधाएं थी कि प्रिंट निकलते थे और उसके हिसाब से फिर आगे थिएटर वाइज जाते थे। अब क्या सैटेलाइट द्वारा होता है, तो वहाँ लोड करो, ये करो, वो करो, काफ़ी चीज़ें हैं। और अब स्टार बनना बड़ा कठिन हो गया है। एक लड़के को स्टैंड करना मार्केट में, मार्केट वैल्यू जो है वो ख़त्म कर दी है। जितने बिग स्टार हैं 100 करोड़, 200 करोड़, हमारे जैसा डायरेक्टर मीडियम क्लास का वो 200 करोड़ की फिल्म नया लड़के को लेके नहीं बना सकता है। मगर आज हमारी जो फिल्में बन रही हैं, कई लोगों से मुझे शिकायत है, बहुत शिकायत है। कई लोग बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ और ऑडिशन लेते हैं, फिर भी पिक्चर फ्लॉप होती है। लोगों को स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनको यही मालूम नहीं है कि वो ऑडिशन किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। जब आपने स्क्रिप्ट लिखा है, आपको देख करके पता चलता है ये फिल्म मेरी इस एक्टर के लिए है या ये लड़का कर सकता है, ये हीरो कर सकता है, तो वो उसमें भी वो फ्लॉप देते हैं। अभी कई पिक्चरें रिलीज हुई हैं, इसी मंथ रिलीज हुई हैं, सब पेपर वालों ने, आप जैसे पत्रकारों ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं कि अनफिट, अनकस्ट, वो करेक्टर में फिट नहीं है। और कितने ऑडिशन लिए होंगे, कितने ड्रेसेस, ये वो दुनियादारी का किया है, मगर पिक्चर फर्स्ट शो फर्स्ट ख़त्म हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरी चाहत थिएटरों में लगे, मगर ये देखें कि इस लड़के ने, ये लड़का हीरो आया है, ये इंस्पेक्टर लगता है या नहीं लगता है, या ये करेक्टर भिखारी है तो भिखारी लगता है या नहीं लगता है। है तो वो भिखारी और डम्बल्स दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, और लड़की 20,000 की ड्रेस पहन कर रोमांस कर रही है, लड़का तुरंत चेंज हो जाता है, 50,000 की ड्रेस आ जाती है, मर्सिडीज गाड़ी आ जाती है, कहाँ से आ जाती है? विजुअल उतना ही देखता है ना। अब मैं देखता हूँ कि मैं सुभाष जी बन सकता हूँ, मगर सुभाष जी ने 50 साल दे दिए, मुझे 50 साल दूंगा तब सुभाष जी बनूंगा मैं। मेरे भी सपने, मगर उतना है, उतना पब्लिक भी जानती है कि खेत में काम करने वाला सपना देखता है, वो बोलता है मेरा अच्छा घर हो जाए, ईंट का घर बन जाए। तो इंस्पेक्टर भी वही होता है, 3 स्टार होते हैं उसमें, 3 स्टार जो होते हैं, इंस्पेक्टर का एक ड्रीम होता है कि मैं इस शहर को शांत कर दूँ। मगर कई इंस्पेक्टर ऐसे होते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। यही चीज़ें हैं। मैं अपने हीरो से ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी, हर हीरो अपने आप में अंदर है, अगर अपने आप को सुधारना चाहता है, समाज को बदलना चाहता है, तो पहले खुद बदलना पड़ेगा। अब इनको मैं, मेरे भाई को, राज भाई को, राज चौहान जी को मैं ले रहा हूँ, सोलो हीरो है, देखो इनका तब बोलो, उसके पहले ही क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये उनकी स्टाइल बताओ, मेरा सब्जेक्ट का ये रिक्वायर्ड है भाई, आपको ये चलना है, ये करना है, ऐसे करना है, और आप सीखोगे। एक पिक्चर से कोई बड़ा एक्टर नहीं बन सकता, धीरे धीरे। आज रवि किशन जी की बहुत तारीफें होती हैं, जब मैंने रवि किशन जी के साथ में पिक्चर की थी, सब लोग जानते हैं, अग्नि मोर्चा की थी, धर्मेंद्र, रवि किशन, मुकेश खन्ना, दुनिया के सब एक्टर थे, 22 एक्टर थे उसमें। मेरी पहली फिल्म थी, प्रोड्यूस डायरेक्ट की थी, तो आज रवि किशन जी को उसको बेस्ट एक्टर बोलते हैं, उन्होंने सीखा। सैम, मैं चाहता हूँ कि राज भाई उससे भी बड़े एक्टर बने, और मेरी कोशिश है, मैंने सब काम छोड़ रखा है फिलहाल, 1 साल से कोई फिल्म नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ राज वाली फिल्म कर रहा हूं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप
and never miss another update.